ये खाना है। हाँ मम्मा आपको खिलाएं, मजे का है। अच्छा मानी आपके कपड़े हैं तो चेंज करो। ये ठीक है, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। हो गया। हाँ ये इन पे डालने लगे हरा धनिया, हरी मिर्च है। मैं इधर देखें क्या चाहिए आपको। रात के 12 बज रहे हैं और ईमान को लग गई है भूख, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ अंदूमी। जाग रहे हैं, सो ही नहीं रहे हैं, तो मैं अहमद के लिए भी बना लूँगी सेवियाँ दूध वाली। घी का एक चम्मच डाल दूँगी, सब फ्राई करूँगी और फिर दूध डाल दूँगी। तो बच्चों की चीज़ें रेडी हो जाएंगी, एक साथ ही यहाँ पे सेवियाँ बन जाएंगी और यहाँ पर अंदूमी हमारी झटपट सी तैयार भी हो गई हैं। तुम्हें को भी टाइम लगेगा थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल ईमान अहमद व्लॉग्स इन मदीना। इस टाइम जो है ना रात के 2 बजे का टाइम था और एकदम से बादल की आवाज़ आई है, बादलों की, तो मैंने देखा बाहर के बारिश हो रही है। खैर बारिश तो नहीं हो रही थी लेकिन बादल जो है ना गरज रहे। तो जी यहाँ पर दोपहर का खाना बन रहा है और उसके अलावा मैं बना रही थी यहाँ पर आलू चिकन का सालन, और चिकन मैंने अच्छे से यहाँ पर भून लिया है। तो बस अभी जो है ना मैं आलू कट करूँगी और फिर आलू के साथ थोड़ा सा इसकी भुनाई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने बस एक बड़े साइज़ का आलू जो है वो कट कर लिया था, तो काट के मैंने देखा और लेने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, तो बस वो एक ही आलू जो है ना वो पूरा हो गया। तो बस यहाँ मैं धो लूँगी और ऐड कर दूँगी। अच्छा मैं इसको ऊपर से बांध दूँ ना, फिर ले लेना, ठीक है? ठीक है, ये देखो ये देखो। अंदर जाके खेलो। सालन में मुझे डालने के लिए धनिया चाहिए था, धनिया थोड़ा ज़्यादा था तो ख़राब हो रहा था, मैंने फिर ना सारा ही बना लिया और बना के मैं इस बॉक्स में रख दूँगी और जो है ना ये काफ़ी सेफ़ रहेगा, काफ़ी दिन तक जो है वो चल जाएगा, यानी 3-4 दिन तक तो निकल ही जाएगा। थोड़ा सा मैंने रख लिया अपने यूज़ के लिए और बाकी जो है वो मैं सेव कर लूँगी। डंडियाँ जो है मैंने उतार ली हैं, अच्छे से काट लिया है, बस धोया नहीं है, ऐसे ही ड्राई में रख दूँगी, तो ये ज़रा कुछ दिन जो है वो निकल जाएगा सही से। हो गया। हाँ ये इन पे डालने लगे हरा धनिया, हरी मिर्च है, सालन कंप्लीट है हमारा। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही खुशबू सालन की। बहुत ईमान का खुशबू इसलिए आ रही थी क्योंकि मैंने इसमें सूखी मेथी भी डाली थी, तो बस उसी की खुशबू जो आ रही थी सालन में से। खाने वगैरह से फ्री होकर हस्बैंड भी चले गए थे खाना खाकर, और बच्चे भी हैं खेल रहे हैं। मैंने जो है ना क्लीनिंग वगैरह कर ली है सारी रूम की और साथों साथ जो है टीवी पे मैंने लगा ली थी नात शरीफ, तो मैं साथ साथ नात भी सुन रही थी और मेरे जो है ना घर की सारी क्लीनिंग भी हो गई थी। तो क्लीनिंग करते हुए मैं अक्सर जो है नात या फिर वो लगा लेती हूँ तलावत। अहमद के जो है ना खेल के कपड़े गंदे हो गए हैं, तो बस अब मैं इसके कपड़े जो है ना वो चेंज कर दूंगी, ले आई हूँ, अब चेंज करती हूँ इसके कपड़े। अहमद के कपड़े तो हो गए हैं चेंज और अभी जाके मुझे दूसरे रूम की क्लीनिंग करनी है, अभी सिर्फ इसी रूम की क्लीनिंग। मानी आपके कपड़े हैं तो चेंज करो। ठीक है मैं फ्रेश कर ली। हाँ हमारा कमरा हो गया है नीट एंड क्लीन। यहाँ पर मैं पीने लगी हूँ पानी, पानी पी के जाती हूँ फ्रेश होने। मेरे फ्रेंड्स आप ही पी लें, चाय बना रही है, हो गई है मम्मा की। अहमद भी तंग कर रहा है कि अंदर चलो, तो बस चाय लेते हैं और अंदर जाके देखते हैं। यहाँ पर अहमद की मस्तियाँ जो हैं वो शुरू हैं और ना कपड़े फिर जो है ना इसने गंदे कर लिए हैं और इसके ना कार्टून लगे हुए हैं दरअसल द व्हील ऑन द बस वाले, वो अप एंड डाउन करते ना, तो ये भी जो है ना शुरू हो जाता है उनके साथ अप एंड डाउन करने, तो मुझे दिखा रहा है कि वो ऐसे अप एंड डाउन करते हैं तो काफ़ी खुश हो रहा था उसका म्यूज़िक सुन के, और तकरीबन इसने कई दफ़ा मुझसे ये ना पीछे करवाया और ये म्यूज़िक सुना अप एंड डाउन वाला सॉन्ग। और गीज़र ऑन कर दो, मैं तुम दोनों को नहलाती हूँ।
मज्जी हो गए हैं तैयार, रेडी। इधर देखें अहमद, कहते हैं बस मेरे सर से ना ये टोपी ना उतारो कंबल ना उतारो। तो कपड़े मैंने पहना दिए हैं, सॉक्स वगैरह पहना दिए हैं। बहुत बहुत रोया ये ना नहाते हुए अब ईमान फ्रेश हो रही है तो, और साथ साथ अहमद को मैं ये खिला रही हूँ, कहते हैं मुझे हलवा खाना है। ये जी हलवा कल आया था तो बड़ा मज़ेदार है, सोन हलवा है ये वाला। ये खिला रही हूँ अहमद को, अहमद को अच्छा लगता है तो रोते रोते कहता है मुझे ये खिलाओ, फिर चुप हुआ खाक एक दो चम्मच खिलाया मैंने। अब सो जाना ठीक है अहमद, इधर देखें हेलो कर दें। अहमद को ये सूट भी छोटा हो गया, पिछली सर्दियों में मैंने लिया था और अब इस सर्दी में छोटा हो गया, देखें इतना इतना ऊपर स्टेप बंद किया ना तो ऊपर हो गया, तो बस अब ये भी ये देखें मम्मा के हाथ में तुझको जेली लेके भाग गए हैं। अभी फ्रेश हो गई है, कैसा लग रहा है फ्रेश हो गए? सर्दी लग रही है? हाँ, सर्दी। मुझे भूख लग रही है, चावल खाओ ना, मैंने बनाए नहीं। हाँ उस टाइम नहीं खाया ना, भाग गई थी। ठीक है मैं गर्म कर दूँ? गर्म कर दूँ। सालन के साथ आलू चिकन के साथ मैंने चावल भी बॉयल किए थे और उस वक्त ईमान ने खाना खाया नहीं था। अहमद जो है ना खेलने के लिए बुला रहा था कि मेरे साथ खेलो बाहर, तो गाड़ी लेकर जा रहा था बाहर, फिर ईमान चली गई थी तो एक दो निवाली लिए थे उसने, फिर अब उसे भूख लग, तो भूख तो मुझे भी लग रही है, तो बस अब हम गर्म करते हैं और खाना खाते हैं। अभी पार्क आए हैं हम और ये दोनों बच्चे साइकिल पर बैठे हुए हैं। तो काफ़ी रश है यहाँ पे, बच्चे भी हैं माशाल्लाह खेल रहे हैं फुटबॉल वगैरह, ये ऊपर स्टेयर्स के ऊपर। और जो हमारा न्यू घर है ना वो भी यहीं आसपास ही है, तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। अभी यहाँ पे हस्बैंड जो है ना वो छोड़ के गए। इधर देखें क्या चाहिए आपको, ईमान यहाँ खेल रही है, ईमान की फ्रेंड्स बन गए हैं यहाँ पे। बच्चे माशाल्लाह काफ़ी आए हुए हैं ना तो भी दो चिप्स मैं आप भी खाएं। अहमद आप खा रहे हैं, अहमद को भी पकड़ा दो, अहमद ले लो। नहीं गिरोगे? अब जो है ना काफ़ी हद तक रश कम हो गया है, काफ़ी लोग जो है ना चले गए हैं, बस एक सामने फैमिली बैठी है और यहाँ पे बच्चे हैं थोड़ा खेल रहे हैं। जब हम आए थे तो काफ़ी रश था, ऊपर स्टेयर्स भी खाली हो गए हैं ना, अपनी दोस्तों के साथ। हाँ वो भी चले गए हैं मान के फ्रेंड्स, यहाँ से भी देखें सारा खाली हो गया। और वो हमारे घर के पास ही रहती है जी, वो सामने स्टेयर्स पे गए हुए हैं, आ रहे हैं बस। तो बच्चे आते हैं तो घर चलते हैं, ये साइकिल खड़ी है ईमान की तो बस घर चलते हैं और टाइम काफ़ी हो गया है। ब्लॉग का एंड भी यहीं पर करूंगी, आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। तो चलें फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय। Ha ha ha.